बिहार का 2 उपचुनाव कर देगा बिहार के 3 नेताओं के भविष्य का फैसला। कैसे करेगा, क्या करेगा, उन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ शशि शेखर सर है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या और कैसे होगा। कैसे होगा सर, 3 नेताओं कौन है वो? 3 नेता आपने बता ही दिया, आज 3 नवंबर को जी मोकामा और गोपालगंज में चुनाव हो गया है, संपन्न हो चुका है जी। और जिन 3 नेताओं की आप बात कर रहे हैं उसमें चिराग पासवान बिल्कुल, मुकेश सहनी जी और आनंद मोहन, मोहन की बात, आनंद मोहन एंड फैमिली कह लीजिए जी, क्योंकि उनकी इस वक्त जो उनकी पार्टी है उसमें लवली आनंद जी हैं, चेतन आनंद जो विधायक हैं और खुद आनंद मोहन जी हैं जो जेल में हैं, लेकिन अभी पैरोल पर, उनको पैरोल मिल चुका है। तो आपने जो इंट्रो कहा कि फैसला कर देगा, बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए क्योंकि आप देखिए कि मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, नहीं है, बावजूद इसके इन्होंने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट नहीं दिए हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने आरजेडी को समर्थन दिया है अपना दूसरा। लेकिन सर समर्थन दिया है लेकिन वो फील्ड में आए नहीं है प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या फील्ड में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि फील्ड में नहीं आना भी कभी कभी बहुत बड़ा समर्थन होता है। कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं गए हैं तो इसका मतलब ये है कि नीतीश और राजद में खटपट हो, उनकी उनकी तार्किक क्षमता पर मुझे हंसी आती है। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी बीमार हो गए थे, वो घायल हो गए थे बेसिकली। उस पे अगर चर्चा किया जाए सर तो बात लंबी हो जाएगी, तो हम लोग इधर ही बात करते हैं। तो मुकेश सहनी की बात हमने की कि उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं दिए और बकायदा एक समर्थन भी उनका राजद को है, बावजूद इसके कि वो महागठबंधन के सदस्य नहीं है। लेकिन हम तीनों की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है। चिराग पासवान जी, चिराग पासवान भी इस चुनाव से दूर ही थे जी, लेकिन अंतिम समय में, बिल्कुल समझ लीजिए कि लास्ट चुनाव प्रचार के जो 24 घंटे बचे थे उसमें वो उतरे हैं चुनाव मैदान में। तो जाहिर है कि वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के अनुरोध कह लीजिए या आदेश कह लीजिए उसके आधार पर ही वो आए थे, आए हैं। जबकि जो केंद्रीय मंत्री ऑलरेडी लोजपा से हैं, इस तरह से माना जाए कि चिराग पासवान का जो तालमेल है भाजपा के साथ बन चुका है, फाइनली बन नहीं चुका है, मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बन चुका है। अच्छा, मतलब आपने देखा कल हम लोगों ने बात की पूर्व विधायक राजन तिवारी जी से जी। उन्होंने भी कहा, जो जबकि वो भाजपा के मतलब अभी सदस्य है, विधिवत वो सक्रिय सदस्य है, उन्होंने भी कहा कि चिराग पासवान बिहार के भविष्य है। आज सूरजभान सिंह जी, जो लोजपा पशुपति पारस खेमे के मतलब नेता है, उन्होंने कहा कि भाई चिराग पासवान पूरे देश के दलितों के लीडर हैं। तो इन बयानों को जोड़कर अगर आप देखेंगे तो ये जो कयास हवा में चल रहा है, ये जो राजनीति में जो कंफ्यूजन कह लीजिए जो चलता है, इस बयान से ऐसा लगता है कि राजनीति में एक अलग तहलका होने वाला है। तहलका मतलब जो कंफ्यूजन चल रहा है जी, कि चिराग पासवान क्या हो सकता है कि भाजपा के कैंडिडेट हो आने वाले चुनाव में, क्या चीज के सीएम कैंडिडेट हाँ। ये तो बहुत बड़ी खबर, मतलब खबर नहीं है ये, इसको मैं फिर कहूंगा कि ये कयास है। अच्छा, ऐसा कयास लगा ले। लेकिन एक तरफ बिहार के जो लोजपा के ही नेता पशुपति पारस खेमे के नेता हो, भाजपा से जुड़े राजन तिवारी हो, उन लोगों का जो बयान आ रहा है, या गोपालगंज मोकामा विधानसभा चुनाव के 24 घंटे पहले चिराग पासवान का एनडीए कैंडिडेट के समर्थन में उतरना 14 घंटे तक वहां 14, तो ये चीजें बताती है कि कुछ बड़ा खेल होने वाला, भाजपा जो है अपने कर सकती है। तो दूसरे नेता ये हो गए, तीसरे नेता हो गए आनंद मोहन जी। तो आनंद मोहन जी काफी लंबे समय से जेल में है, जी कृष्णैया हत्याकांड में उनको आजीवन कैद की सजा मिली हुई है, और बिहार के एक समुदाय के एक तबके की बड़ी लंबी राजनीतिक मांग है कि उनको बाहर लाया जाए, रिहा किया जाए, मतलब उनको माफी दे दी जाए और उनको रिहा कर दिया जाए। तो ऐसा हुआ नहीं अभी तक, लेकिन आप देखिए कि
इस वक्त चेतन आनंद आरजेडी के विधायक है, पिछले चुनाव में लवली आनंद आरजेडी में गई और जो आनंद मोहन का की जो फैमिली है वो उनकी पार्टी इस वक्त तक तो मतलब फैमिली के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई नजर आ रही है। वो जब फुल फ्लेज्ड आएंगे बाहर तब क्या होता है बात की बात है, लेकिन उनके जो समर्थक वर्ग हैं पूरे बिहार में और बिहार में जाति के नाम पर जो राजनीति चलती है उसका एक असर होता है, उसका असर कह लीजिए, राजनीति कह लीजिए, जो कहना हो कह लीजिए, आज तक मतलब इन चुनाव के वक्त पैरोल मिलना 15 दिन का, ये पैरोल देने का में जो है राज्य सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है और राज्य सरकार आप इसको मतलब राजनीतिक तौर पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल राजनीतिक ही ले जा रहा हूँ, लेकिन उसमें तो बताया जा रहा है कि उनके फैमिली में उनके बेटी का शायद कुछ फंक्शन है। वो सब ठीक है, वो सब अपनी जगह पे, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन एक प्रतीकात्मक संदेश भी होता है राजनीति में कि अभी चुनाव चल रहा है, राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पे, आदेश पर या उनके रिकमेंडेशन पर, जिसमें नीतीश कुमार भी है और जिसमें तेजस्वी यादव भी है, वो तेजस्वी यादव जो राजद का नेतृत्व कर रहे हैं, उस राजद के जिसके विधायक चेतन आनंद है जी, और अभी चुनाव चल रहा है दो जगह पे, चुनाव समाप्त हो गया, माफ कीजिए चुनाव समाप्त हो गया है 3 नवंबर को जी, तो उस वक्त इनको पैरोल पे बाहर लाने से अभी तक जो उस समुदाय के मतदाता है उन पर कहीं ना कहीं तो एक सकारात्मक असर पड़ेगा ना। जैसे कि मान लीजिए अभी तक पेरोल मिला लेकिन वो अभी तक बाहर आए नहीं, वो लेकिन ये खबर इसलिए दिया मतलब पहले हो गया कि ताकि उनका जो पेरोल मिल गया तो वो बाहर आएंगे, ताकि उनका समर्थन मतलब एकजुट हो जाए, वो लोग तैयार हो जाए। देखिए अब एकजुट हो ही जाएगा, वो समर्थन मिल ही जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा या मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन राजनीति ऐसे ही होती है जी। राजनीति में जो मतलब चाले चली जाती है राजनीति की विसात पे, वो ऐसे ही चली जाती है प्रतीक। जैसे आप देखिए ना कि कई चुनावों में आपको याद होगा कि गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल मिलता है जी। तो उसको भी इसी चश्मे से देखा जाता है और ये सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आपका जो मूल सवाल है कि 2 सीटों का उपचुनाव जी 3 नेताओं का भविष्य का फैसला करेगा, तो जाहिर सी बात है ये हालांकि बड़ी बात है फैसला करेगा मतलब। लेकिन सर थोड़ा सा हम बताएंगे कि जैसे आपने बताया कि चिराग पासवान का बीजेपी के साथ साठगांठ है, तय हो गया है जो भी हो, तो उन्होंने प्रचार प्रसार में उतरा या बीजेपी ने उनसे रिक्वेस्ट किया चिराग पासवान से तो उन्होंने गए, तो क्या मुकेश सहनी जैसे समर्थन किए तो क्या महागठबंधन उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया या कोई बातचीत नहीं हुई? मुझे आप मुझे इसका उल्टा जवाब दीजिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़े थे चिराग पासवान, सभी सीटों पर लड़े थे, नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो वो खुद का किए, जदयू का किए, जेडीयू का किए, फायदा किसको हुआ? बीजेपी को हुआ। तो ये होता है राजनीति में कि आप नहीं जाते हैं तब भी किसी का फायदा हो सकता है, आप जाते हैं तब भी किसी का नुकसान हो सकता है। तो राजनीति को आप सिर्फ इतना मत देखिए कि वो नहीं गए वहां पर चुनाव प्रचार करने या वो वहां चले गए, उससे नहीं होता है। मैं नैतिकता के हिसाब से, नैतिकता नहीं राजनीति में, देखिए राजनीति में नैतिकता जैसे शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, इसको आप भुला जाइए। यह सिंपल सी बात है जो हम लोगों ने बात की, आपने आपका जो मूल सवाल है कि इन चुनावों का जो परिणाम होगा इन 2 सीटों का उससे इन नेताओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सवाल यह है कि उस वक्त ये देखा जाएगा कि सहनी वोट या अति पिछड़ा वोट क्या राजद को मिला इस वजह से कि मुकेश सहनी ने समर्थन दिया, या गोपालगंज में राजपूत वोट राजद को मिला इस वजह से कि आनंद मोहन जी को पैरोल पर रिहा कर दिया गया, या चिराग पासवान की वजह से दलित वोट भाजपा को मिल गया और भाजपा दोनों जगह से जीत गई। एक 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 मतलब कल्पना कीजिए, एक तस्वीर तस्वीर है कि ये कल्पना कीजिए कि दोनों सीटों पे बीजेपी जीत गई जी। तो ये क्लेम तो चिराग पासवान का बनेगा ना, बिल्कुल, कि मेरे उतरने से दलित वोट जो है एकजुट हुआ और वो एक साथ जो है भाजपा के पास
चला गया। इसी तरह से हर दल, हर जो तीनों नेता की हम बात कर रहे हैं, ये तीनों अपना अपना क्लेम करेंगे। अच्छा, और राजनीति में यही होता है। तो आप सही कह रहे हैं, हालांकि भविष्य का फैसला करना थोड़ा मतलब एक्सट्रीम है। मतलब जैसे दिख रहा था कि चिराग, आप ठीक कह रहे हैं, बाकी लोग तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, सबका दिख रहा है, आप फिर गलती कर रहे हैं। आनंद मोहन जी का पैरोल मिलना, पैरोल पर बाहर आने की खबर आना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, एक बड़ी बड़ी घटना है जी। इसका असर उनके समर्थकों पर बहुत ज्यादा सकारात्मक पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब सवाल यह है कि वो सकारात्मक असर राजद की तरफ जाता है या एनडीए की तरफ जाता है, इसी से फैसला होगा ना। बिल्कुल। तो अब इसमें भूमिका होगी चेतन आनंद की, जो विधायक है, या लवली आनंद जी की, कितना कि वो उस सकारात्मक असर को कितना अपने पार्टी मतलब राजद के प्रति भुना पाते हैं। तो अगर भुना पाएंगे तो जो आपके शब्द है कि भाग्य का फैसला जो है बड़ा अच्छा होगा जी। नहीं भुना पाएंगे तो जाहिर है कि थोड़ा कम अच्छा होगा, दिक्कत होगा। तो इसी तरह होगा, इसी तरह चिराग पासवान के साथ भी होगा, इसी तरह मुकेश सहनी। तो ये एक पावर दिखाने का समय है इन तीनों राजनीतिक हस्तियों के पास। मतलब है जिसकी हाँ, जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी मतलब होगी, मीन्स की जो कंट्रीब्यूशन में, जहाँ कंट्रीब्यूशन जो वो करेंगे जी, आगे चल के उनका दावा उतना ही मजबूत होगा। तो इस हिसाब से आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दोनों जो उपचुनाव हो गए हैं, ये इसके परिणाम भी 2-3 दिन में आ जाएंगे, 6 तारीख को आ जाएंगे। तो इससे ये पता चल सकता है कि इन तीनों नेताओं का, चिराग पासवान का, आनंद मोहन का और मुकेश सहनी की, जो राजनीतिक शख्सियत है, राजनीतिक हैसियत है, वो कैसी है, कितनी है, कितनी बड़ी है। और जाहिर है कि आगे आने वाले समय में जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, चाहे वो राजद हो या बीजेपी हो, वो उसी के अकॉर्डिंगली काम करे, इन लोगों को महत्व देगी। तो आप लोगों ने सुना कि ये तीन जो नेता हैं, जैसे मुकेश सहनी, चिराग पासवान और आनंद मोहन, तो अब ये हालांकि चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन इन लोगों ने कितने अपना भाग्यदारी, अपना मेहनत, कितनी सक्रियता चुनाव में दिखाया, कितना इन लोगों का वोट अपने अपने तरफ अट्रैक्ट हुआ, मिला अपने अपने पार्टी को, जिसको जिन्होंने समर्थन किया, उसी पे इन लोगों का अगला भविष्य का फैसला होगा, ऐसा ही है ना सर? कह सकते हैं, फैसला करना थोड़ा मुझे एक्सट्रीम लगता है जी। तो आपने जो कहा कि जितनी आप हिस्सेदारी इस वक्त दिखाएंगे जी, उतनी आगे आपकी भागीदारी बढ़ेगी या घटेगी। तो आप लोग जो दिखाए होंगे वही आपको मिलेगा। तो नमस्कार, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।